बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अज़ीज़िया दवाखाना। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, क़ुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ताला का सबसे बाबरकत कलाम है क़ुरान मजीद। मगर क़ुरान मजीद की चंद आयात मखसूस आयात हैं जिनके अलग अलग फ़ज़ाइल हदीस पाक में वारिद हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग जो है इनके फ़ज़ाइल, इनकी फ़जीलत बयान फरमाई हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो फ़जीलत बयान हुई है वो हुई है आयतुल कुर्सी की। तो आयतुल कुर्सी बहुत ही पावरफुल और ताकतवर कुरान मजीद की आयत हैं। आज मैं आपको आयतुल कुर्सी का ऐसा वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि अगर इस अमल को फ़कीर कर ले तो गनी हो जाए, और गुर्बत का मारा हुआ शख्स अगर कर ले चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, इंशाल्लाह देखते ही देखते दौलतमंद हो जाएगा और सरकश शयातीन से महफूज रहेगा। शैतान के वसवसे, जहन में बुरे ख्याल आना, डिप्रेशन आप लगा लें और जहन के अंदर तरह तरह के खौफ पैदा होना, होल उठना, इन तमाम तर अमराज से भी वो शख्स महफूज रहेगा। और चोरी, गर्क होकर मरने और जलने से महफूज रहेगा। सेहत नसीब होगी और हर किस्म के खौफ और अंदेशे से सालम रहे। इसके लिए यह अमल बहुत मुजर्रब है। करना किस तरीके से है यह मैं आप दोस्तों को मुकम्मल तरीक़ा, तो अमल आपने किस तरीके से करना है इसको ज़रा गौर से मुकम्मल सुन लीजिए ताकि इस अमल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। आयतुल कुर्सी का हर काम के लिए जो है एक अलग तरीके से एक अमल करना है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको ये भी नहीं होगा कि मेरा टाइम ज़ाया किया है। तो जो शख्स आयतुल कुर्सी को हर नमाज के बाद पढ़ा करे, शैतान के वसवसे और सरकश शयातीन के मकर से महफूज रहे और फ़कीर से गनी हो जाए, और ऐसी जगह से रिस्क मिले कि उसको गुमान भी ना हो, गनी हो जाए फ़कीर भी, और अगर गुर्बत का मारा हुआ शख्स कर ले तो वो भी दौलतमंद हो जाए। तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो इसको सुबह शाम और घर में जाने के वक्त और बिस्तर पर लेटते वक्त हमेशा पढ़ा करे तो चोरी और गर्क और जलने से मामून रहे, यानी चोरी से महफूज रहेगा, उसके यहाँ कभी चोरी नहीं होगी, गर्क होकर नहीं मरेगा और जलने से उसका इंतकाल नहीं होगा। इस तमाम आफात से वो शख्स महफूज रहेगा और उसको सेहत नसीब होगी और हर किस्म के खौफ और अंदेशे से सालिम रहे। इसको ठिकरियों पर लिखकर गल्ले में रख दे, घर के अंदर ठिकरियों पर लिखकर घर में जो गल्ला है उसमें रख दे तो गल्ला चोरी और घुन से महफूज रहे और इसमें बरकत हो, रिस्क में बरकत होगी गल्ले में। और जो इसको अपनी दुकान या मकान में किसी ऊंची जगह रख दे तो रिस्क बढ़े और कभी फाका ना हो और वहाँ चोर ना आए, और अगर सफ़र या किसी खौफनाक जगह में रहने का इत्तफाक हो तो आयतुल कुर्सी मा सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन और कुल लन युसीबना पढ़कर अपने गिर्द दायरा खींच लिया जाए, इंशाअल्लाह ताला कोई मूजी जानवर या चीज़ कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा सकेगा। तो ये आयतुल कुर्सी का जो है मुजर्रब अमल आप दोस्तों को बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अलग अलग तरीके से हर काम के लिए आपने इसको ज़रूर करना है, इंशाअल्लाह देखते ही देखते ज़िंदगी बदल जाएगी और इसके तमाम तर फ़वाइद आपको हासिल होने लगेंगे।
अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह आप तमाम अहबाब की मोहब्बत होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।